A 50-year-old security guard was murdered at Mohan Purwa village under Bithur police station in Kanpur on Sunday. Police sent the body for the post-mortem and started investigation. The security guard was attacked with a sharp object on his head from behind and bled to death before anybody could take him to the hospital. He was guarding a farmhouse where he was appointed just 12 days ago. हम लोग खाना बना हम और मेरी बहन मेरी बिट्टी दीदी की लड़की है हम लोग किचन में थे और लाइट आधे घंटे पहले कट चुकी थी और टीवी कनेक्शन भी हट चुका था तो पापा को लगा पापा ने हमसे कहा बेटा लाइट कनेक्शन टीवी का हट गया हमने कोई बात नहीं सर रिचार्ज चला गया खत्म हो गया होगा तो फिर बाद में ये लोग आए हमारे आदमी तो हॉर्न मारे पापा हमारे खोलने आए गेट खोल के पापा ने हमारे गेट पे इनको बता दी कि कमल लाइट चली गई है उन्होंने देखा कि पूरे गांव में आ रही है लाइट तो ये लोग वहां सही करने गए चलो हम लोग सही कर आते हैं जाके तो सही करने गए तब तक यहाँ पापा ने किसी पापा को किसी ने मार डाला ये लोग वहां से वापसी आए यहीं से कहते देखो सब वो खराब हो गया मियाँ पापा को तब भी हम लोगों ने नहीं देखा बाद में हम ही ने देखा पापा वहां पड़े देखा जाके क्या कि माँ पापा मरे पड़े हैं खून पूरा हो गया लथपथ से खून से चौकीदार था यहाँ पे इसने दरवाजा खोलने ये गया था तो पीछे से किसी ने इसके धारदार हथियार से सिर पे वार किया जिससे ये तुरंत मौके पे अचेत होकर गिर पड़ा ना ही ये अभी 12 दिन से आया है क्या नाम था इसका राजेंद्र नाम था पावर्ड बाय NNIS